how the classroom looks like. Now I'm inside IIT. अरे ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि मैं आईआईटी पहुंची कैसे. मुझे हमेशा से ना आईआईटी नहीं जा पाने का बहुत रिग्रेट रहता था कि मतलब मैं जा नहीं पाई. एंड मुंबई में ऐसा हो गया था ना, आई मीन कोइंसिडेंटली, कि मैं जहाँ रहती थी वहाँ से आईआईटी का गेट लाइक बहुत पास था, ऑलमोस्ट 200 से 300 मीटर दूर था आईआईटी का मेन गेट. एंड जब भी मैं वहाँ से जा रही होती थी, आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि यार मतलब मैंने कितना कुछ मिस कर दिया ना लाइफ में. आई मीन अंदर लाइफ कितनी अच्छी होगी ना, मतलब मुझे हमेशा वो वाली चीज़ रहती थी. एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो इनसाइड वंस टू जस्ट सी कि मतलब क्या ऐसा डिफरेंट है. तो हुआ क्या, हमारे फ्लैट में एक लड़की रहती थी जो कि आईटी बॉम्बे में पढ़ती थी. अब ये चीज़ मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ऐसे आप भी किसी आईटी में जाना चाहे तो आप जा सकते हो. तो आईटीज में क्या होता है ना, वो आपको एक विजिटर कार्ड देते हैं. जो बच्चे अंदर पढ़ते हैं बेसिकली वो आपको एक विजिटर कार्ड दे सकते हैं जिसके हेल्प से आप अंदर जा सकते हो. तो हम लोग उसको ऐसे ही बता रहे थे कि यार बहुत जाने का मन है ये वो करके. तो उसने ऐसे ही रैंडम उस दिन बोला कि अच्छा तुम लोग जाना चाहते हो तो मतलब मैं विजिटर कार्ड बना के दे दूंगी. एंड ऐसा था कि वो हमारा लास्ट डे था मुंबई में, उसके बाद से हम वापस घर जा रहे थे. बार बार मैं हम बोल रही हूँ, हमें मैं और मेरी एक और दोस्त थे. तो उसने सडन बोला और हम ऐसे कि हाँ यार प्लीज़ विजिटर कार्ड बना के दो ना, हमें भी एक बार जाके देखना है. एंड जस्ट उसी दिन शाम में हम लोग आई मीन रैंडमली आईटी पहुंचे. एंड फिर ऐसे ही हमारी सफर शुरू हुई अंदर. अंदर जाते ही पहले हमने बात की अपने उस फ्रेंड से जिसने हमें आईआईटी के अंदर बुलाया था. उसने हमें बोला कि यार तुम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास आ जाओ. अब यार ऑटो वाले को हम बोल रहे हैं कि भैया आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पता है क्या. अब वो बोल रहा है यार हमें नहीं पता, आप बताइए. मैं से यार हम लोग अंदर पढ़ते और काश पढ़ते तो बता पाते. अब यहाँ ऐसे देख के समझ ही नहीं आ रहा है आई मीन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है कहाँ. तो हमने उसको बोला कि भैया आप यहीं पे हमें उतार दो, हम चले जाएंगे घूमते घूमते. तो जस्ट हम वहाँ पे उतरे और हमने अपने फ्रेंड को कॉल किया यार कि हम आईआईटी के अंदर आ गए, अब तुम भी वापस मतलब आ जाओ यहाँ पे, हम कैफेटेरिया के पास खड़े हैं. तो आती है कैफेटेरिया के पास. सो क्षमता हम कहाँ जा रहे हैं अभी? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज लाइक, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो, आप क्या करते हो आईआईटी में? फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आई एम वर्किंग इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. फिर हम कहते हैं कि यार हमें थोड़ा सा घुमाओ और क्या क्या है आईआईटी में. एंड वी स्टार्टेड रूमिंग हियर एंड देयर. सो नाउ वी आर गोइंग टू लाइक डिपार्टमेंट्स ऑफ आवर आईआईटी बॉम्बे. सो लाइक लेफ्ट एंड राइट देयर इज दिस वेरियस डिपार्टमेंट्स इंजीनियरिंग एंड यू कैन सी व्हाट इज दिस लाइक दिस बिगर बिल्डिंग हियर ओवर हियर. दिस इज हॉस्टल 10. दिस हॉस्टल इज फॉर मेनली वुमेन. ओके गर्ल्स हॉस्टल. गर्ल्स हॉस्टल ओके. एंड लाइक वेयर इज द बीटेक सेक्शन ऑफ आईआईटी? We are going. Okay, we are heading towards that. So, how has been your experience in IIT till now? मतलब क्या expect करते हो? Very good, very good. Like, if you have like IIT back tag, then you have everything in your hand. ऐसे मत बोलो यार. हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि मतलब किसी को तकलीफ नहीं होती. वो तो मतलब ये होता कि ना नो तकलीफ़ ना deal करना होता. Deal करना होता. So this is the physics department. ये तो ऐसा लग रहा है कुछ. I'm not sure. भूत बंगला type feel. Because this is too much old now. Oh. The first like subject for science, physics, chemistry and the maths. So nice. These departments are like old. And ये इतने सारे cycles यहाँ पे मतलब people usually travel here. Students are like okay, student. ट्रैवल करते हैं साइकिल से. हाँ एक्चुअली डिपार्टमेंट ही बहुत बड़ा है. इतने सारे साइकिल्स हैं भाई, इतने फिर भी कम है ये. अभी कम साइकिल्स हैं क्योंकि बहुत सारे लड़के घर चले गए. लाइक इट इज ऑलरेडी 6 ओवर. ओके इधर ये हम कहाँ जा रहे हैं? डिपार्टमेंट स्टार्ट. ओके ये मेन डिपार्टमेंट. यहाँ पे हम कैमरा ले कर सकते हैं ना? ठीक है डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं. नाइस. सो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी कॉरिडोर. अच्छा इन्फिनिटी कॉरिडोर. हाँ क्या इनफाइनाइट सा लग रहा है इसलिए? बहुत लंबा है. इट इज टू लार्ज. दिस इज द डिपार्टमेंट फिजिक्स केमिकल इंजीनियरिंग एंड केमिस्ट्री. यहाँ क्या करते हैं लोग? क्षमता बैठ के ऐसे बैठ कर बात करते हैं. तो एंटर अ क्लासरूम, आई विल शो यू हाउ द क्लासरूम लुक्स लाइक. सो दिस इज वन ऑफ द क्लासरूम दे हैव. एंड इफ यू सी दिस बोर्ड ना, लाइक दिस बोर्ड, इट एग्जैक्टली रिमाइंड्स मी अ बिट अबाउट द एनपीटेल वीडियोज आई यूज टू सी. आई एम नॉट श्योर, थोड़े ऐसे ही से बोर्ड होते थे. अभी सब कुछ खाली है, लाइक द एंटायर क्लासरूम इज एम्प्टी. आज तो ऐसे ही आए तफरी टाइप्स, बट आई कम समडे हियर.
एंड लाइक गेट रिकॉग्नाइज्ड बाई पीपल. आई एम नॉट श्योर, जैसे लोग कहते हैं ना कि हम सुनते हैं कि मैं IIT जा नहीं पाया पर आज IIT में स्पीचेस दे रहा हूँ, IIT के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, स्टफ लाइक दैट. सो समथिंग सिमिलर आई ऑल्सो विश टू कि कभी ऐसा मौका मिले. बट या अभी तो ऐसे ही तफरी कर लेते हैं, ये भी मेमोरी है. तो मतलब चीज़ें घूमी एंड घूमने के बाद ऑब्वियसली हमेशा से मन में ऐसा नहीं रहता कि मतलब चीज़ें तो देख लिया पर एक बार IITN से बात करते हैं. So, apart from studies, very little studies. So, yeah, first of all, let me interrupt. Why very little study? Like, generally, we had a notion that उनसे बात करके आई फेल्ट कि दोज वर लाइक रियली कूल एंड रियली अवेयर पीपल. पीपल कह रही हूँ, पीपल आई मीन व्हाट डू आई मीन बाय दैट. जैसे हमारे कॉलेज में अगर स्टूडेंट से मैं बात करती ना तो वो सिर्फ ऐसा बोलते कि यार बस जॉब लग जाए, 10 लाख की लग जाए बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी, 8 लाख की लग जाए बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी. लाइक ये उनका माइंडसेट रहता था. बट जब मैंने उन लोगों से बात किया तो उन लोगों का ऐसा कहना था कि यार जॉब तो लग ही जाएगी, मतलब ऑब्वियसली देखो उनके पास वो एक एज भी होता है. बट दे वर मोर फोकस्ड ऑन व्हाट मोर, लाइक इतने सारे उनके एलुमनाइज हैं जो खुद एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, कोई एंजल इन्वेस्टर है, मतलब इतने अलग अलग जगह पे हैं कि दे लुक इनटू कि व्हाट मोर व्हाट बेटर कैन वी डू. एंड उनसे मैंने बात किया तो मेरे को काफ़ी पर्सपेक्टिव मिला कि यार मतलब इनका हॉरिजन जो है सोचने का वो काफ़ी वाइड है. दे जस्ट डोंट थिंक इन वन डायरेक्शन कि बस मुझे जॉब चाहिए, बस मुझे ये चाहिए, बस मुझे वो चाहिए. दे आर रेडी टू एक्सप्लोर एंड टेक दैट रिस्क एज वेल. एंड आई थिंक दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम्स बिकॉज दे नो दे आर ऑलरेडी एट अ गुड प्लेस. एंड फिर अगर वो रिस्क लेते भी हैं एंड समवेयर दे फेल्स, स्टिल दे विल एंड अप एट अ बींग बेटर पोजिशन. सो आई एम नॉट टेलिंग डायरेक्टली टू यू गाइज कि नहीं हमें भी ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक आई एम जस्ट टेलिंग कि उनका क्या पर्सपेक्टिव था. बट या डेफिनेटली अगर आप एक वो चीज़ समझ के एक वाइड हॉरिजन अपना बना के रखोगे ना तो लेटर ऑन भी आप कभी कहीं सेटल जगह पहुंच गए तो आप एटलीस्ट सोचोगे तो कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, थिंग्स लाइक दैट. तो हमने पहले उनसे बात करी, फिर हम बाहर निकले तो हमें एक बहुत ही सही सी बंदी मिली, लाइक बहुत ही प्यारी सी बंदी थी, तो हमने उससे भी थोड़ा बात किया. Metallurgical Engineering and Material Science Department. So, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ डू यू गाइज गेट सो मच एनर्जी कि पहले ग्रेड, फिर पोस्ट ग्रेड, देन आई थिंक देयर PhD एंड आफ्टर दैट ये आप जो कर रहे हो ना पोस्ट. नो नो, आई हैव डन BSc इन फिजिक्स, आई हैव डन MSc इन फिजिक्स, आई हैव डन टीचिंग एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग MTech. ओह माय गॉड, वाओ. experience of like being in IIT? IIT is just love.
Umagu Turula. So what's your aim? Like after MTech, what are you going for? I'll go for a job, na. Two crore ka package? No, not from like CSC branch. Okay, CSC are like, you know, wo to camera mein batao CSC alag. CSC people to alag hi hai yaar. Never I mere ko compare mat karo. She is also getting a FOMO bit, right? Okay, MTech CSC ki baat karo ya BTech CSC, MTech CSC koi bhi. People who are BTech basically, BTech is enough from CSC. Okay. They people are actually the cream. Of any IIT, and especially IIT Bombay ka CSC department, that is the best. Yeah. Okay. What's best about it? It's best means the faculty, the everything is best about it. The toppers of JEE, they dream. You will ask them, what is your dream? In which IIT? IIT Bombay CSC department want to go. That is the main thing, na. इसके बाद हम पहुँचते हैं IIT Bombay का love point देखने. Shamita, what you are going to show us? So this is the IIT couple place. This? ये इतने अंधेरे में क्यों है? Like couple दिया गया. नहीं नहीं आप कहना क्या चाहते हो? Couple से इतने अंधेरे में आके क्यों मतलब time spend करते हैं? अरे थोड़ा बहुत तो time spend. And अंधेरा तो चलो फिर भी शाम हो रहा है. But what is this खोपचा? Crescent है ना तो इसके पास ही crescent. अच्छा ये इधर थोड़ा खाने का area. हाँ पीने. यहाँ खा के. Snacks हाँ थोड़ा बहुत snacks लेकर इधर बैठ जाते हैं खाकर फिर से research में चले जाते हैं. Wow man wow. अब इतना घूमने के बाद थोड़ी पेट पूजा तो बनती है तो हमने सोचा क्यों ना कैफेटेरिया के दर्शन भी कर ही लिए जाए. पूरे आधे घंटे बाद आया है एंड लेट्स सी क्या क्या चीजें आई हैं. ये हमारा स्टार्टर है पॉम्फ्रेट. दिस इज आई हैव ऑर्डर्ड फिश रोटी एंड वेज फॉर माई वेज फ्रेंड्स. अना भूख लगी है तो व्लॉग व्लॉग बंद करो जा रही हूँ खाना आने. तो खाना खाने गए वहाँ पे. खाना भी बहुत टेस्टी था. बहुत सारा वैरायटी था. लाइक बिल्कुल हमारे कॉलेज के कैफेटेरिया जैसा फील नहीं था. हमारे कॉलेज में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे. तो गाइस आईटी का खाना आ गया मुझे मज़ा आ गया. इतना सारा खाना खाया ठूस ठूस के खाया कि अब कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ना है. लाइक लिटरली पूरा खाना खा के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खा लिया है. अभी मैं वॉक करके ही जाऊँगी अपने घर तक. लाइक काफ़ी पास है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा. वॉक करके जाऊँगी ताकि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए. ये ऑटो कर लिया इन लोगों ने जाने के लिए. बट एक्चुअली सच में मेरा जाने का मन नहीं कर रहा यार. अनफॉर्चुनेटली विल हैव टू गो. लेकिन एक सेकंड. बहुत ज्यादा खा लिया है. अभी मैं वॉक करके ही जाऊंगी अपने घर तक. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. ओके सी दिस इज द गेट पासेस अगेन गेटिंग चेक. मैं क्या क्या तुझे बता लंबी बातें में तो इस तरह ढेर सारी हैप्पीनेस और थोड़ी सी इमोशनल मोमेंट के साथ हम निकले आईआईटी से बाहर. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.